अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी स्टारर फिल्म बागबान तो आप सबको याद ही होगी। 21 साल पहले रिलीज हुई फिल्म और उस समय की काफी बड़ी हिट। ये कहानी एक कपल की है जो अपने बच्चों के साथ समय बिताने के लिए अलग होने का निर्णय लेते हैं। इस कहानी ने व्यूअर्स के दिलों को छू लिया था और ये फिल्म एक काफी बड़ी हिट साबित हुई थी, क्योंकि उस समय बुजुर्ग आर्टिस्ट के साथ लीड रोल्स वाली फिल्मों को कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं माना जाता था। लेकिन ये फिल्म सबसे पहले किसे ऑफर की गई थी आपको पता है? चलिए आपको बताते हैं। बागबान 1970 के दशक में दिलीप कुमार को ऑफर की गई थी। अपने एक पुराने इंटरव्यू में बागबान के डायरेक्टर रवि चोपड़ा ने कहा था कि उनके पिता और दिवंगत फिल्म निर्माता बीआर चोपड़ा ने दिलीप कुमार के साथ इस फिल्म पर डिस्कशन किया था। उन्होंने बताया कि जब वह अपनी पहली फिल्म जमीर की शूटिंग कर रहे थे, जिसमें बच्चन और सायरा बानो थे, दिलीप ने उनके शूट के लिए अपने घर के बगीचे को उधार दिया था। शूटिंग के दौरान पिताजी और दिलीप अंकल बैठे हुए बातें कर रहे थे, तभी उन्होंने दिलीप अंकल को इस फिल्म की स्टोरी सुनाई, जिसे उन्होंने बहुत पसंद किया। लेकिन पिताजी दूसरे फिल्मों में बिजी थे और दिलीप अंकल पहले एक और फिल्म शुरू करना चाहते थे। वहीं रवि चोपड़ा की पत्नी रेनू चोपड़ा ने बताया कि ये फिल्म दिलीप कुमार और राखी के साथ बनाई जानी थी, जिसमें बीआर चोपड़ा डायरेक्शन करने वाले थे, लेकिन डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। रेनू ने बताया कि मेरे ससुर इस फिल्म को दिलीप कुमार और राखी के साथ बनाने वाले थे, लेकिन राखी ने फिल्म छोड़ दी और बाद में दिलीप कुमार की तबीयत खराब हो गई, ये फिल्म कभी नहीं बन पाई। उन्होंने याद किया कि रवि ने दिलीप कुमार और सायरा बानो को फिल्म के मुहूर्त के लिए आमंत्रित भी किया था, लेकिन उस समय दिलीप कुमार बीमार थे, इसीलिए वे इवेंट में नहीं आ पाए। उन्होंने ये भी बताया कि जब वे दिलीप कुमार को इनवाइट करने गए थे तो सायरा को इस फिल्म की स्टोरी बहुत अच्छे से याद थी, क्योंकि वह बुजुर्ग कपल की रोमांस से काफ़ी इम्प्रेस हुई थी। वहीं अचला नागर, जिन्होंने इस फिल्म के डायलॉग्स और स्टोरी लिखी थी, उन्होंने बताया कि दिलीप कुमार ने फिल्म करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनके कई को आर्टिस्ट जैसे नरगिस और मीना कुमारी अब इस दुनिया में नहीं थे और राखी ने भी फिल्मों से ब्रेक ले लिया था। अपने एक इंटरव्यू में अचला नागर ने बताया कि जब बीआर चोपड़ा ने दिलीप कुमार को इस रोल के लिए कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने कहा था कि ना तो नरगिस है और ना ही मीना कुमारी, यहाँ तक कि राखी ने भी फिल्मों में काम करना बंद कर दिया है। उन्होंने इस भूमिका को इस तरह से अस्वीकार कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि उनके को एक्टर्स में से कोई भी इस रोल के लिए उनके पास नहीं था। बागबान का मेन मैसेज परिवार के वैल्यूज और बुजुर्गों के प्रति बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर पूरी तरह से बेस्ड है। ये फिल्म उन फैमिलीज की रियलिटी को उजागर करती है जहाँ पेरेंट्स ने अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया है, लेकिन बुढ़ापे में उन्हें अकेले छोड़ दिया गया। ये गहरी सेंसिटिविटी और ह्यूमैनिटी की स्टोरी है जो व्यूअर्स के दिलों को छू लेती है। बागबान ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया था और क्रिटिक्स ने भी इसे काफ़ी पॉजिटिव रिएक्शंस दिए थे। अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी की जोड़ी ने इस फिल्म में 4 चांद लगाए थे, जिससे उनकी केमिस्ट्री दर्शकों के बीच काफ़ी पॉपुलर हो गई थी। फिल्म का म्यूजिक भी इसकी पॉपुलैरिटी का एक मेन रीज़न था। संगीतकार आदेश श्रीवास्तव ने इस फिल्म के लिए काफ़ी खूबसूरत गाने तैयार किए थे जो आज भी लोगों की जुबा पर हैं। इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग बागबान रब है बागबान, होली खेले रघुबीरा, मेरी मखना जैसे गाने न केवल फिल्म के लिए बल्कि इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री की दुनिया में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस रखते हैं और आज भी लोगों की जुबान पर होते हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।